आइए सबसे पहले देखें कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ आप जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें कि इनके साथ हम एक जेरंड का इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं एक इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करूं तो आप कर सकते हैं। और वो सभी वर्ब हैं एडवाइज, एग्री, अलाउ, कंटिन्यू, फॉरगेट, हेट, इंटेंड, लाइक, लव, मीन, नीड, परमिट, ट्राई, परपज, रेकमेंड, रिग्रेट, रिमेम्बर, रिक्वायर, स्टॉप, यूज टू, वांट, असेम्ड, अफ्रेड ऑफ, सॉरी, गो और प्रीफर। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जहां आप एक इन्फिनिटिव का या एक जेरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों में से जो आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जिसे यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वर्ड स्टार्ट के साथ सिर्फ हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक जेरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। आइए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, आप खुद इसे पढ़ लें ताकि आपको यकीन हो जो मैंने बताया वो सही है। आप यहाँ देखें, यह एक बहुत अच्छी किताब है और ये लेसन है जेरंड का, और यहाँ पर बताया गया है जेरंड वाक्य में वर्ब प्लस नाउन यानी वर्बल नाउन की तरफ फंक्शन करता है। उसी प्रकार सिंपल इन्फिनिटिव जिसे नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं, वह भी वाक्य में वर्ब प्लस नाउन का कार्य करता है। इसी कारण से बहुत सारे वाक्यों में जेरंड या इन्फिनिटिव वर्ब किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप इस लाइन पे गौर करें, इसी कारण से बहुत से वाक्यों में जेरंड या सिंपल इन्फिनिटिव किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। निम्न वर्ब के साथ जेरंड और इन्फिनिटिव किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप यहाँ गौर करें, स्टार्ट, इसी वर्ड को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आइए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। दे बिगेन टू प्ले, वी प्रीफर टेकिंग टी, वी प्रीफर टू टेक टी, वी नेवर सीज्ड कंप्लेनिंग अबाउट द क्वालिटी, वी नेवर सीज टू कंप्लेन अबाउट क्वालिटी, आई कांट बियर वेटिंग सो लॉन्ग, आई कांट बियर टू वेट सो लॉन्ग, आई इंटेंड बाइंग इट, आई इंटेंड टू बाय इट, ही एडवाइज्ड मी राइटिंग टुडे, ही एडवाइज्ड मी टू राइट टुडे, ही डजंट अलाउ पार्किंग हियर, ही डजंट अलाउ अस टू पार्क हियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात शानदार तरीके से समझ में आया कि वर्ड स्टार्ट के साथ आप एक जेरंड या इन्फिनिटिव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दोनों में से कोई करे आपके सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे।